अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मिसेस फरहीन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो चुकी है, रेयान उठ चुकी है, हमारी हो चुकी है सुबह और रेयान उठ गए हैं। रेयान कर रहे हैं नाश्ता, है रेयान ना रेयान नाश्ता कर रहे हैं। रेयान ने निकाला पराठा, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है। सही है, चलो मैं भी आ गई। बिस्मिल्लाह वाला बरकत इल्लाह। चलें जी, मैं करवाती हूँ इनको नाश्ता और फिर तैयारी रेडी करके इनको भेजते हैं स्कूल। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यार स्कूल जा चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद हमने जो खाना है शकील को। और आप लोग सोच रहे होंगे मेकअप मेरे मुँह पे क्यों हुआ है। ये मेकअप इसलिए हुआ है कि ना रात को जो मेकअप लेके आई थी ना, मैंने कहा शादी है, मैं जब करूँगी तो मुझे कम से कम अंदाज़ा तो होना कि मेकअप कैसा है, कि लॉन्ग लास्टिंग है भी या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का मेकअप किया, वरना मैं वो ये वाला मेकअप नहीं लेती, मैं स्टिक लेती हूँ। बहुत फेमस है जो हर पार्लर में यूज़ होती है, वो वाला मेरा मेकअप होता है। लेकिन ये स्टिक मैंने अब पहली दफ़ा ली है, तो मैंने कहा कम से कम मैं चेक कर लूँ। तो मैं ना रात को ना लगा के सो गई थी, क्योंकि टाइमिंग का तो मैं नहीं रख सकती थी, तो लगा के सो गई थी। मैंने कहा अंदाज़ा हो जाएगा तकरीबन कि कैसा रहेगा। अभी फेस वॉश करके आती हूँ, अभी तो मैंने फेस वॉश नहीं किया, सिर्फ ब्रश किया था, फिर नाश्ता कर लिया। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ और देखती हूँ, सिर्फ लिपस्टिक मेरी थोड़ी शायद हल्की हो गई है, तो बस फेस वॉश करके आती हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट कैसा है इसका। तो जी ये देखिए, ये मेरी आफ्टर लुक है, वो बिफोर लुक की और ये आफ्टर लुक है। फेस वॉश करने के बाद मेरा चेहरा ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं भी देख रही शीशे में अपने आप को, फ़र्क है ना मेकअप में। तो मतलब आप लोग बताइएगा कि मेकअप जो था सही है, क्योंकि रात का किया हुआ मैंने, रात को लेट नाइट किया था, बच्चे सो गए थे, उसके बाद किया था और करके मैं बस सो गई थी, और उसके बाद करके सो गई थी। फिर मैंने कहा सुबह अंदाज़ा हो जाएगा कि शादी में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगते ही है ना, हर शादी बारात हो या कुछ भी, तो वहाँ तक मेरा चलेगा नहीं चलेगा। बारात में करूँगी, मैं खुद मेकअप करती हूँ, मुझे किसी पार्लर की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि हेयर स्टाइल वगैरह में मुझे प्रॉब्लम होती है, हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं करती हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम के खोलना पड़ता है, बालों को खोल लें, यही समझ में आता है, या फिर आप बैंड्स वगैरह हम लगा लें इस तरह। चलें जी, अब उठाते हैं शकील को और इनको करवाते हैं नाश्ता। शकील तैयार हो रहे हैं, नाश्ता कर लिया इन्होंने और ये भी रेडी हो रही हैं जाने के लिए। ऐसा कर लिया ना, पकड़ लेना, बता दो व्यूज़ का आपने अपने व्यूज़ को बता दें कि आपने नाश्ता कर लिया है। हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है, वो आपका जाना है रक्षा निकालने के लिए जा रहा हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ठीक है, चले रेडी हो, अल्लाह हाफिज़। चलें, सही है, अल्लाह हाफिज़। नहीं शकील नहीं आया, मैं हमेशा शकील आ गए, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रेयान सो रहे हैं, स्कूल से आके सो ला दिया था मैंने, तो बस अभी उठेंगे, खाना खाएंगे। अभी अहमद आए हैं, अहमद कर रहे हैं नाश्ता, अम्मी है नहीं घर पे, तो बस अहमद नाश्ता कर रहे हैं। उम्मुल खैर बैठी हुई है, मामू के साथ खाना खा रही हैं। उम्मुल खैर भी नाश्ता कर रही हैं, उम्मुल खैर भी देर से उठी है। इनके बाबा अभी आए नहीं, बाबा को देखने गई थी फिर इनके बाबा बाहर आ गए। मैं रेयान को उठाऊँगी, रेयान उठ जाएगा 2:30 बजे तक। कहाँ जाना है? जूते लेने। तुम्हें शूज़ सारे पहनना बारात में। कहाँ से लोगे? हैदराबाद से। अच्छा चलो सही है, आप तो आओ नाश्ता करो, खाओ खाओ आप खाओ। कल मैं सदर गई थी, बता देते कि सदर से चले जाते, मेरे साथ चलते, मुझे तो बताते तो मैं लेने, तो मैं तुम्हें ले जाती सदर, वहाँ से ले लेते। रात को गए हम लोग मगरिब के बाद। यहाँ रेयान उठ चुके हैं, अभी इनके मामू नाश्ता करके हैं और रेयान और उम्र खैर फिर बैठ गई माँ भाई के साथ चाय पी के अपनी। रेयान देखना, मेरे ख्याल से चाचू हैं, मेरे ख्याल से बाबा नहीं है, चाचू हैं, चाचू खाते हैं। नहीं अगर होते तो वो आ जाते अंदर, आ जाओ रेयान, ऐसा नहीं झाँका करो, नहीं है ना, आ जाओ, मुझे ऐसा लगा। चलो चलिए जाइए, चप्पल पहनिए उम्र खैर, ये सिलेबस उम्र, चप्पल को हाथ में लगाओ, ऐसे पहनो, मैं सीधे कर रही हूँ ना। हाँ ये वाले पैर में पहनिए, वो वाले पैर में, हाँ ये वाले पैर में पहनिए शाप, हाँ ये वाले पैर। चाबी ले ली, चल। अल्लाह हाफिज। रोते नहीं है पढ़ते में जाते हुए, दिखाओ मुंह पे पाउडर तो नहीं लगा बहुत सारा, नोजी आ रही है। अल्लाह हाफिज वबरकातहू। जाओ आ रही वो आ रही, आराम आराम से आती, छोटे पैर हैं उसके। चलो चलो मैं ऊपर से देख रही हूँ आप लोगों को, जल्दी जाइए। मूड नहीं था जाने का, भेज दिया मैंने क्योंकि मुझे समेटना होता पूरा कमरा उमरा समेटना होता कभी, और ये सब फैलावा करा हुआ ये सब समेटना है, जल्दी से समेटती हूँ, कपड़े भी धोने हैं और जाने की भी तैयारी करनी है। शकील आ गए, चाय पी रहे हैं, खाना वाना खा चुके हैं, बच्चे मदरसे गए, मदरसे गए हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़े रखने तैयारी कर रही हूँ। आज जगह में जा रहे हैं, शकील भी साथ होंगे इंशाल्लाह। और ये बारात का ये सूट है, नहीं मतलब आपका इरादा नहीं कभी जब वापस आ जाए इसलिए बोल रही हूँ। तो ये बारात का मेरा सूट है, ये वलीमे का सूट है, साड़ी है मेरी, और बस हम इनकी तैयारी करनी है, रखने कपड़े वगैरह और चलने की तैयारी कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आइए आओ छोटी गुड़िया आ जाओ आप, मैंने आपके लिए कुछ टॉफ़ी खा रही हो, कौन सी टॉफ़ी टीचर ने दी बाजी, अच्छा मैं भी शायद बाजी ने दी है, सिपारा कहाँ है, भाई को दिया है, भाई ने रख दिया, ले लो अच्छा लाओ रुमाल, चलो तारो स्लीपर। चलो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, मम्मा यहाँ पे बैग पैक कर रही है। चलिए जी अभी वह जाने की तैयारी करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, लाइट आ जाए कपड़े इस्त्री करेंगे फिर चलते हैं। अच्छा जी सब तैयार हैं, शादी में की तैयारी हो गई, हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं। चलो लॉक करो जल्दी जल्दी कर दें, कहाँ रख दिया आपने, देखो यहाँ टंगा हुआ ना। चलो है ना आराम से, उम्र है आराम से, फ़ैन ऑफ है, एक लाइट जला दें कमरे की, बाकी वो सब चीज़ें ऑफ हैं। और वहाँ खिड़की वो किचन की कोई नल वल तो नहीं खुला हुआ, वो देखना पड़ेगा। वॉशरूम का तो मैंने बंद कर दिया था, मुझे नहीं पता। अच्छा भाई जी यहाँ पे खाया जा रहा है खाना, अब क्या खा लो पालक गोश्त चिकन का, और वो क्या बोलते हैं शोले बनाया हुआ है, बच्चे तो बड़े शौक से खा रहे हैं। हलीम की तरह बना हुआ है, किसने बनाया हलीम, बनाइए कैसी लग रही है आपको हलीम, अच्छी है ऐसे बताओ कैसे अच्छी कैसी है, ऐसे करके बताइए अच्छी है। चलें जी खाना खाते हैं, आप खा के खाना खा रहे हो, खाए तुम लोगों ने खा लिया, ऐसे खा खाएंगे चलिए खाना खा रहे हैं हम लोग। और अम्मी देख रही ड्रामा, मेहंदी लग गई है उम्र है कि ये हाथ पे मैंने लगाई, ये इनकी कज़न ने लगाई है, बस इतनी ही देर लगती है। अब इनका हाथ वॉश करवाना, हैंड वॉश करवाने के आती हूँ मैं, चलो भाई हैंड वॉश करवा लो जल्दी से, जल्दी से वॉश हैंड वॉश हो जाएगा इनका। होगी उम्र खा यहाँ, उम्र खा यहाँ खड़े हो, दीवार पर हाथ नहीं लगाना। मेहंदी लग रही है देखिए, ऊपर से मेहंदी दिखाओ, जब तक मेहंदी नहीं लगे तो पता नहीं चलेगा शादी का घर है, मेहंदी लगी तो पता चलेगा ना, और मेहंदी तो कम हो गई है वैसे, कल मायने थी कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल आज रजजगह है तो रजई की वजह से सब जाग रहे हैं, और बस अभी अभी कज़न वगैरह आए नहीं हैं, अपने कितनी रात तक जागे, तो अगर मेरी वीडियो आप लोग पसंद आ रही है और आगे की वीडियो आप लोग अच्छी से अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं और बस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स नंबर पर। तब तक के लिए बस इतना ही। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।